जी, मेरा नाम हाफिज शरोज है और इस शॉप को हमें तकरीबन कोई 5-6 साल इस दुकान को हो गए हैं। एक ब्रांच हमारी मजंग करतबा चौक में भी है, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट 15 से 20 साल पुरानी दुकान है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो सामान है उसमें ऑलमोस्ट मोर देन 10,000 आइटम्स हैं, जिसमें हाइकिंग का सामान पड़ा हुआ है, शिकार का है, ट्रैवलिंग का है, टेक्टिकल गैजेट्स जो मिलिट्री गैजेट्स होते हैं, हाइकिंग वगैरह, स्पाई गैजेट्स, उसमें हमें स्पाई कैम्स काफ़ी हमारे पास होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की वो प्रोडक्ट जो आपको पाकिस्तान में नॉर्मली कहीं से नहीं मिलती, वो सामान हमारे पास अवेलेबल है। ये सामान हम दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लाए। हमारे पास जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसमें लोकल प्रोडक्ट कोई भी नहीं है, कोई जर्मनी से है, कोई इटली से, मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ये सामान आता रहता है। उसको जो है ना हम फिर इकट्ठे करके एक ही शॉप पे उसको हमने डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये रवायत जो है हमारी तकरीबन, जैसे मैंने आपको बताया, 15-20 साल पुरानी दुकान है जो हमारी मजंग, उसको तकरीबन ऑलमोस्ट 20 से 22 साल हो गए मजंग वाली शॉप को। तो उस टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक सिस्टम चेन नेटवर्क बना हुआ, वो सिस्टम माल आ रहा है, यूनिक चीज़ें आ रही हैं जो कि पाकिस्तान में कहीं से ना मिले। पहली बात तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँ, ये ओरिजिनल गन नहीं है, ये एयर गन है। दूसरा, जासूसी वाले आलात जो हैं ये हमारी रोज़मर्रा की अब ज़रूरियात है। आप लेन देन के मामला, जैसे आपको पता है बेईमान ज़माना है, लोग बात की मुकर गए, ऐसे ऐसे इधर वाकयात आते हैं कि भाई इधर आके लोग रोते हैं जो है ना, वो ज़मीन के लेन देन में है, बात लेते वक्त कुछ की, जब बात हो गई तो फिर अगले कुछ मुक गए। सोसाइटीज़ वाले बहुत सारे मामलात होते हैं, मैं बड़े बड़े ऐसे वाकयात होते हैं जी, ज़मीन के लेन देन कर लिए हैं, बाद में मोस्टली लेन देन में ही होता है, जरगा वगैरह, उसमें क्या होता है, मुख्तलिफ चीज़ों में कैमराज वगैरह होते हैं, लाइक उसमें जो है ना, ये अब ये गाड़ी की चाबी है, ये हो गया, पेन हो गया, ऐनक हो गया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कैमराज वगैरह लगे, जो कि अपने आप लेन देन के मामलों में उसको रिकॉर्ड करें। कल को जाके अल्लाह ना करे बंदा मुकरे भी, तो उसको आप एज एविडेंस के तौर पर उसको आप शेयर कर सकते हैं। US आर्मी जो है वो दुनिया की जो है ना, आपको पता है आर्मी जो है वो इलीड, उनके पास जो है ना आसाइशें वगैरह, एक एक आर्मी के उनके अगर पर्सन का अगर बजट मालूम हो जाए तो यहाँ हैरानगी लोगों को हो जाएगी कि ऑलमोस्ट तकरीबन 50 लाख के करीब एक बंदे के पास बजट होता है, उनने सामान रखा होता है इतना, उनके वो पैसादार, आपको पता है डॉलर में उनके लिए फिर क्या है। इवन के उनके तो ये है कि जो गेमिंग नहीं होती Xbox 360 वगैरह फोन, वो भी इवन के उनको अलॉट होते हैं, मतलब कि फुल अयाशी वाला माहौल होता है, वो तो एज ए इन्जॉय के लिए आते हैं, काम किया तो ठीक, नहीं तो निकल गए। तो बड़ा बड़ा सामान उसमें हमारे पास आया हुआ था, उसमें तो शुरू शुरू में बहुत चीज़ें आई हुई हैं, तो तभी भी सामान कम हो गया, बॉर्डर वगैरह बंद है अफगानिस्तान का, जिसकी वजह से माल आना बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। इंशाल्लाह उम्मीद है हमारे हालात बेहतर होंगे, कल को जाके बॉर्डर जब खुलेगा तो काफ़ी सामान आएगा, अभी भी सामान काफ़ी पड़ा हुआ है। वो अरब में 3-3, 4-4 शादियाँ करते हैं, सिस्टम कंट्रोल में होता है, मजा लेके कोई अलग से अल्फाज बोले। और यहाँ पे जो है ना हमारे पास आते हैं, जितने मर्जी बड़ा नवाब हो ना, वो घर से वो बेचारा खुश रहता है, वो कहते हैं एक मिनट में यार बेनज़ीर से पूछ लूँ। तो ये उनके लिए हरी साहब ने लिखा कि जी बीवी के शोर से बचने वाला आला, ये साउंड गार्ड है एयरबड्स, हालात ख़राब हैं, बीवी पैसे मांगेगी, आजकल आपको पता है कि सूट भी माशाल्लाह से कितना महंगा हो गया है, तो इसको सुकून से कानों में लगाएं और उसके बाद सो जाए, बीवी बोलते रहिए आपको आवाज़ नहीं आएगी। हाइकिंग वगैरह का तमाम सामान पड़ा है, लाइक उसमें अगर आप बैग देख लो, ग्लव्स देख लो, छतरी देख लो, ऐनक देख लो, टॉर्चेस वगैरह, नाइफ वगैरह हो गई, ग्लासेस वगैरह हो गई, उसमें जो है ना बड़े आउटडोर लाइट्स हो गए, शूज़ हो गए, कैमल शूज़ हो गए, बाइनोकुलर्स हो गई, लाइक जो चीज़ आपके जहन में कैंपिंग से रिलेटेड आता है वो सब कुछ पड़ा हुआ है। हंटिंग से रिलेटेड जो कुछ आपके जहन में जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो हमारे पास पड़ी हुई है। किसी भी जो मैंने आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड बताई जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो हमारे पास पड़ी। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास ओरिजिनल बाहर की इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो जर्मन इटली बाहर की जो स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है इम्पोर्ट वाली, जो लॉट में जो आती है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ी। ऊपर वाले फ्लोर में वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, नीचे जो फ्लोर है उसमें सारा कैंपिंग वगैरह का सामान है, और इस फ्लोर में हमने मिक्सअप सामान रखा हुआ है।